हेलो बच्चों, कल हमने मात्राओं का ज्ञान किया था, जिसमें हमने औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अं की मात्रा और अह की मात्रा का ज्ञान किया था। तो बच्चों, हमने सभी मात्राओं को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है और उसका अभ्यास भी किया है। तो बच्चों, अब उन सभी मात्राएं जो आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह की मात्राएं हमने जो सीखी है, उन सभी मात्राओं का यहाँ आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, आप इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा और साथ में इसका अभ्यास भी अपनी बुक पुस्तक को लेकर इसको आप साथ साथ में लिखिएगा। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक निकालिए, पार्ट नंबर 5 का ये अभ्यास कार्य हम कर रहे हैं। तो बच्चों, आप देखिए, हम इसको शुरू करते हैं। को चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो क्या है बच्चों, चित्र देखकर शब्दों को पूरा कीजिए। तो नंबर एक पे क्या है बच्चों, नंबर एक पर ये किसका पिक्चर है बताइए, आप सभी बताइए कि नंबर एक पर ये किसका पिक्चर है। हाथी, वेरी गुड। ह ह ह पर आ की मात्रा, हा, हाथी। तो किसकी पिक्चर बन गई, हाथी। ये क्या है बच्चों, ये है बाग, बगीचा। बाग में ये जो पानी कौन दे रहा है, माली। बाग में पानी कौन देता है, माली। तो म आ ली, माली। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, खेत। ये किसकी पिक्चर है, खेत की। तो खेत में कौन खेती करता है, वेरी गुड, किसान। क क छोटी की मात्रा की, किसान, किसान। अब देखिए, ये किसकी पिक्चर है, ये पिक्चर है ऋषि। ये किसकी पिक्चर है बच्चों, ये पिक्चर है ऋषि। आप ध्यान से देखिएगा, किसकी पिक्चर है ये, ऋषि। तो जैसे हम कैसे लिखेंगे, ऋषि, ऋषि। तो ये हमारा क्या बना, ऋषि। अब देखिए, ख बड़ी ई तथा ओ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो इसमें हमें किसकी मात्रा लगानी है, बड़ी ई। तो बड़ी की मात्रा बच्चों क्या होती है, ये वाली। बड़ी की मात्रा क्या होती है, ये देखिए, ये है हमारी बड़ी की मात्रा और ये है हमारी छोटे ऊ की मात्रा। ये हमारी किसकी मात्रा है, बड़ी की, और ये हमारी किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की। आप सबको ये है हमारे बड़ी की मात्रा और ये है हमारे छोटे ऊ की मात्रा। तो देखिए, नंबर एक चाब। तो चाब का क्या बनता है, चाबी। क्या बनता है बच्चों, चाबी, चाबी। ह पर बड़ी की मात्रा लग गई तो क्या बन गया, चाबी। नंबर दो है गलाब। तो गुलाब मतलब ग पर गुलाब। तो क्या आएगा, ग, ग पर छोटे ऊ की मात्रा, गुलाब, गुलाब। वेरी गुड। अब नंबर तीन है, अब नंबर तीन है दीपक। क्या है बच्चों, दीपक। दीपक भूल, दीपक। तो दोपहर की देखिए, ये तो छोटे ऊ की मात्रा थी, अब दीपक, दीपक, दीपक। तो बच्चों, ये देखिए, ये है हमारी बड़ी की मात्रा, दीपक। ठीक है, ये हमारी किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा। अब आगे चलते हैं, नंबर चार, बल, बल, बलबल। तो बलबल को हम क्या बोलते हैं, बुल, बुल, बुलबुल। तो बच्चों देखिए, कैसे लिखेंगे, ब, ब पर छोटे ऊ की मात्रा, बु, ल, ब, ब पर छोटे ऊ की मात्रा, बु, ल, बुलबुल। तो ये हमारा क्या बना, बुलबुल। नंबर पांच क्या है हमारा, हा, थ, हाथ है, और हा, थ पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो किसकी मात्रा बन जाएगी बच्चों, हाथी। ये देखिए, ये हमारी मात्राएं हैं बड़ी की, हाथी। क्या बन गया हमारा, ये हाथी, ये बन गया हमारा हाथी। अब आगे देखिए, लास्ट है हमारा फट बॉल।
हम क्या लिखेंगे, फुटबॉल का फूट, खपर किसकी मात्रा लगा दी मैंने, छोटे ऊ की, फूट बॉल फुटबॉल, क्या लिखेंगे बच्चों, फूट बॉल फुटबॉल। आगे नेक्स्ट है मेरा बड़ा ऊ और ए की मात्रा, तो आपको ये मात्राएं बड़े ई की और छोटे ऊ की मात्रा आपको समझ आ गई होगी। देखिए चा, बपर बड़ी की मात्रा बी, चाबी, ग पर छोटे की मात्रा गु, लाब गुलाब, द दपर बड़ी की मात्रा दी, पक दीपक, ब बपर छोटे ऊ की मात्रा, ल बपर छोटे ऊ की मात्रा बु, ल बुलबुल, आ थपर बड़ी की मात्रा थी, हाथी, फुटबॉल तो फपर छोटे ऊ की मात्रा फू, ट बोल फुटबॉल। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस शब्द को पूरा लिख दिया है। अब हम आगे चलते हैं ग पर, बड़ा ऊ और ए की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो देखिए बड़ा ऊ हम कैसे लिखते हैं, बड़ा ऊ लिखते हैं इस तरफ, जिस तरफ हमारी पेंसिल होती है उसकी तरफ बड़े ऊ की मात्रा को हम लगाते हैं। और ए की मात्रा कैसे लगाते हैं बच्चों, सिर्फ एक मात्रा, जो सिर्फ एक मात्रा लगती है वो किसकी मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है। तो अब देखिए अब हमें लिखना है नंबर एक, मला, मला क्या होता है, मला का हम क्या बनाएंगे, मेला। अब देखो छोटा मूला तो नहीं बना सकते ना, छोटा बड़ा हुआ है तो हम इसको मूला नहीं लिख सकते क्योंकि मूली होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मेला। नंबर एक में ए की मात्रा में ला, मेला, मेले में हम सब जाते हैं ना। अब देखिए नंबर दो है पड़, पड़, तो पड़ का क्या होता है, पेड़, पेड़, पे अड़ पेड़। अब आगे हम लिखते हैं नंबर थ्री, सर, सर, तो क्या आएगा, शेर, शे, वेरी गुड, ओके। अब नंबर चार है भाल, तो भाल का क्या होगा, भालू। देखिए लंबा साउंड लंबा उच्चारण जा रहा है तो क्या लिखेंगे, भालू, 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 भालू। नंबर पांच है चाक, तो चाका देखिए, चाकू, चाकू आप सबने देखा होगा रसोई घर में, हम जो हमारी सब्जियां काटते हैं, फ्रूट काटते हैं, वो सब किसे काटते हैं, चाकू, चाकू से काटते हैं, चाकू, चाकू। अब आगे है नंबर छह फल, फल का क्या होगा, फूल, वेरी गुड, ये तो आपको सबको आता है भाई, फूल, फूल। तो बच्चों इस तरीके से हमने बड़ा ऊ और ए की मात्रा को सीखा। देखिए म एला मेला, प एड पेड़, स एर शेर, ये सब हमारी क्या थी, ए की मात्रा। अब देखिए नंबर चार पे भालू, लेपर बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू, चा कपर बड़े ऊ की मात्रा कू, चाकू, फूल पपर बड़े ऊ की मात्रा फूल, फूल, तो ये हमारी क्या बन गई, बड़े ऊ की मात्रा। अब हम आगे चलते हैं अई और ओ की मात्रा की तरफ। अब हमारा आगे है अई और ओ की मात्रा, तो बच्चों अई की मात्रा कैसे लगाते हैं, जो सिर्फ टू, सिर्फ कौन सी मात्रा होती है, टू मात्राएं, सिर्फ टू मात्राओं को हम किसकी मात्राएं कहते हैं, अई की मात्रा। देखिए जब एक मात्रा लगाई तो एक ही मात्रा, एक मात्रा लगाई तो एक ही मात्रा, जब मैंने इसी मात्रा को दो कर दिया तो किसकी मात्रा बन गई, अई की मात्रा। अब ओ की मात्रा, ओ की मात्रा को कैसे लगाएंगे, एक डंडा लगा के ये बन गई ओ की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या थी, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। अब देखिए नंबर एक ए आई और ओ की मात्रा का शब्द बनाइए। तो देखो चार, चार पर मैंने क्या लगा दिया, ओ की मात्रा, तो क्या बन गया, चो, चपर ओ की मात्रा चोर, चोर, म, मपर ओ की मात्रा मोर, मोर, त, तपर ओ की मात्रा तो, ता, तोता, क्या बना बच्चों ये, तोता, तोता। तोता, तोता। अब हम आगे चलते हैं नंबर चार, इसमें हमें किसकी लगानी है, ओ की मात्रा, ओ, इसपे अब हमें लगानी है, अब हमने पहले लगाई थी ओ की मात्रा और अब हमें किसकी लगानी है, आई की मात्रा। तो बच्चों देखो आई की मात्रा अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी। नंबर चार पे थला, थला नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, थैला, थैले में हम सब क्या लाते हैं बच्चों, थैले में हम सब्जियां लाते हैं तो थैला, सामान लाते हैं। नंबर पांच है पैर, पैर, प आई र, प आई र, पैर, बल, बल का बैल, बैल,
बैल क्या काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, ब अल भाई। इस तरीके से हमने आई और ओ की मात्रा को सीखा। देखिए, च और चोर, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए साथ साथ में, म और मोर, त ओ ता तोता, थ अला थैला, प ऐर पैर और ब अल भाई। इस तरीके से हमारी ये चार मात्राएं होती है। अब हम करते हैं औ की मात्रा और अंग की मात्रा। तो बच्चों, औ की मात्रा कैसे लगाते हैं, वही पहले एक डंडा लगाया तो ओ की मात्रा, अब हमने दो मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, औ की मात्रा। जब दो मात्रा लगा देते हैं तो बच्चों किसकी मात्रा बनती है, औ की मात्रा, ये बन गई हमारी औ की मात्रा। और ये किसकी मात्रा है, हमारे अंग की, अंग। देखिए, डड्डा, डड्डा नहीं होता है, क्या होता है, अभी मैंने आपको पिछली प्रीवियस क्लास में मैंने आपको करवाया था डड्डा का डंडा। मैंने अभ्यास कार्य में कुछ शब्द लिखे थे, आशा है आपने उनको पढ़ा होगा और उसका अभ्यास किया होगा। तो देखिए, डड्डा, डड्डा का क्या होगा, डंडा, क्या होगा बच्चों, डंडा, डंडा। आगे झड्डा, झड्डा का क्या होगा, झंडा, वेरी गुड, झंडा। इसका मतलब आपने अभ्यास कार्य में इसको अच्छी तरह से आपने किया था, डंडा, झंडा। अंगूर, अंगूर का क्या होता है, अंगूर, देखिए अंगूर, अंगूर, अंगूर का नाम सुनते ही सबके मुंह में क्या आ गया, पानी, वेरी गुड। अब हमें किसकी मात्रा लगानी है, औकी, औकी क्या है, चाकी, तो क्या बनाएंगे, चौकी, चौकी, चौकी। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हमने, चौकी, चौकी, च औ की चौकी, ओके। अब नंबर पांच है लाकी, तो लाकी का क्या होगा, लौकी, लौकी, क्या होगा बच्चों, लौकी, लौकी। लास्ट है हमारा नंबर छह नौका, क्या है ये हमारा, नौका। तो देखिए, इसको हम लिखेंगे नौका, नौका, न औ का, नौका। इस तरीके से हमारी ये बन गई औ की मात्रा। अब हम इसको एक बार और इसका अभ्यास कर लेते हैं, डंडा, झंडा, अंगूर, चौकी, ल औ की, नौका। ठीक है बच्चों, नौका। अब हम आगे चलते हैं अंग, अह और अंग और अह की मात्रा। तो ये हमारा चंद्रबिंदु ऐसे लगाते हैं और अह ऐसे लगाते हैं, टू डॉट, शब्द के पीछे टू डॉट लगती है। देखिए, छ, तो छ का हम क्या लिखेंगे, छह। ठीक है बच्चों, छह। प्रातः, प्रा त और थ, प्रातः। दुख, तो दुख को देखिए, ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, दुख बीच में, शब्द के बीच में ये विसर्ग लग गया है, तो बन गया दुख। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम करेंगे चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु, आंग। देखिए, नाक और मुंह से बोला जा रहा है, आंख, आंख, मुंह, मुंह और सांप, सांप, सांप। आंख, आंख, मुंह, मुंह, और सांप, सांप। इस तरीके से बच्चों हमने अह और अंग की मात्रा, अह और अंग की मात्रा को सीख लिया। तो बच्चों, इस तरीके से ये जो हमारा अभ्यास कार्य है इसको हमने पूरा करा है। आशा है कि आप सबने इन अभ्यास कार्य को अच्छी तरह से सीखा होगा। आप इन सबको अपनी अपनी बुक में, किताब में इसको कीजिएगा, ये सब ये आपकी पुस्तक में आपको करना है। तो बच्चों, एक बार मैं फिर आपको सभी मात्राओं के उच्चारण बता देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इनका ज्ञान हो जाए। तो देखिए, आ छोटी का इ, बड़ी इ, ई छोटा उ, बड़ा उ, छोटा बड़ा उ, ए।
एकदम हल्के लाइट वेट में बोलते हैं ए, ई, ओ, औ, अंग, अंग बोलते हैं गले से, अंग और अह, अंग और चंद्र बिंदु बोलेंगे नाक और मुंह से, अंग, देखिए अह, अंग और अह। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने आपको सारी मात्राओं का अभ्यास करा दिया है। आप इनको, इन सभी शब्दों का, इन सभी मात्राओं का आप अभ्यास कीजिएगा। इन सभी का आप अभ्यास कीजिएगा, आपको लास्ट में शॉर्ट, इन सभी का आप देखेंगे, ये है मात्राएं आ, ये किसकी मात्रा है, आ की, ई, ये है ई की मात्रा, ई, ये बड़े ई की मात्रा, उ, ये छोटे उ की मात्रा, उ, ये बड़े उ की मात्रा, ए, आई, ए, आई, ओ, एक डंडा बना के एक मात्रा, औ, एक डंडा बना के दो मात्रा। इस तरीके से बच्चों ये हमारी मात्राएं हैं। ये हमारी मात्राएं हैं, इन सबको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है, अपनी पुस्तक में करना है। फिर हम कल नए टॉपिक के साथ, नए पाठ के साथ हम वापस मिलेंगे। धन्यवाद।